વધુ એક કંપની કે જેના નંબર્સ આપણને આવતા જોવા મળ્યા તે છે યુફ્લેક્સ. તમે નંબર જોઈ લો એકવાર તો જોવા મળશે તમને આવક 65% વધીને 3463 કરોડ જોવા મળી રહી છે. એબિટા 48% વધીને 607 કરોડ છે. માર્જિન 19.5% સામે 17.6% છે અને નફો 95% વધીને 313 કરોડ થઈ રહ્યો છે 160 કરોડથી વધીને. વધુ વાતચીત કરીએ યુફ્લેક્સના ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ ફાઇનાન્સ એન્ડ અકાઉન્ટ્સ રાજેશ ભાટિયા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. રાજેશજી, સબસે પહેલે તો બહોત બહોત સ્વાગત હૈ આપકા, ગુડ આફ્ટરનૂન. और नंबर्स ब्रिलियंट हैं, ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं हम देख रहे हैं मार्जिन्स के अलावा हम देखे तो ओपनिंग कमेंट सर आपके कैसे देखे आपने नंबर्स और मार्जिन पर प्रेशर अभी भी क्यों हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्यों तो वैसे अब सब जानते हैं रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट वगैरह का प्रॉब्लम लेकिन कितना और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ से शुरू करें तो मार्च वॉल्यूम ग्रोथ मिला इस क्वार्टर में भी 38% वॉल्यूम ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस तो उसके चलते रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा है 66% इस क्वार्टर में वर्सेस लास्ट ईयर. तो इसका मतलब 38% वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा बाकी प्राइस ग्रोथ भी मिला है. सो थोड़ा कॉस्ट बढ़ा है इस क्वार्टर में बट मार्जिन एक्सपेंशन तो आप देख रहे हैं पिछले क्वार्टर से हुआ है और जो प्राइस इंक्रीजेज हैं अगर उनका इम्पैक्ट एक बार छोड़ के चले तो मार्जिन हेल्दी है 20% पे 18% दिखते हैं बट क्योंकि प्राइस इंक्रीज क्रूड बढ़ा है इस क्वार्टर में तो ओवरऑल देखें तो 20% के आसपास है विच इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री. सो अदर लार्ज प्लेयर्स जो हैं उनको अपने रिजल्ट्स अभी देने हैं आज हैं शायद उनके तो आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री में रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए सबके. डेफिनेटली सर, ये बात तो है. बिजनेस का एक टर्न अराउंड हम सब इंडस्ट्री में देख रहे हैं और आपके वहाँ पर भी ये जैसे आपने बताया कि वॉल्यूम्स डेफिनेटली बढ़े हैं वापस वो भी दिखा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से आगे बढ़ रहा है किस हद से आगे बढ़ रहा है इसके बारे में हम समझ रहे हैं. तो राजेश जी यही सब ट्रेंड हमें थोड़ा सा समझाइए कि कैसे आप देख रहे हैं टर्न अराउंड होते हुए और वॉल्यूम्स की पर्टिकुलरली आपने बात की है तो सेगमेंट वाइज जरा हमें समझाएं अगर सबसे ज्यादा कहां से ट्रैक्शन आता हुआ दिखा तो बढ़िया रहेगा राजेश जी. देखिए सबसे ज्यादा ट्रैक्शन हमारे लिए तो पैकेजिंग फिल्म से आया है क्योंकि हमारी जो कैपेसिटीज थी वो वहीं पे हमने बढ़ाई थी पिछले 2 साल में तो और उसी के चलते हम कंटिन्यूअसली मार्केट को गाइड कर रहे थे कि हम मिनिमम 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखेंगे. बट थोड़ा सा पैंडमिक के हेल्प से वो जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे 20-25% के भी रेंज में वो थोड़ा सा एक्सेलरेट होके हमें फास्टर मिला है जिसके चलते हुए अभी सारे ओवरसीज प्लांट एक नाइजीरिया को छोड़ के बाकी सारे 95% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम किया है सबने Q3 में. तो आगे चलते हुए उनको थोड़ा सा वहाँ पे कैपेसिटी का थोड़ा सा स्कोप है नाइजीरिया में स्कोप है तो उनके चलते हुए आगे भी टर्नओवर बढ़ने की उम्मीद है. बट अब क्योंकि कैपेसिटीज मोर और लेस पूरे हद तक यूज्ड है तो अब आप आगे चलते हुए ऑन ए क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वॉल्यूम्स में नहीं मिलेगा जब तक अब हमारी जो नई कैपेसिटीज जो हमने लगा रहे हैं धारवाड़ में या असेप्टिक पैकेजिंग की कैपेसिटी हमने डबल कर रहे हैं जो कि अभी शुरू होने वाला है और दुबई में CPP प्लांट लगाया है तो उनके चलते जब वो FY23 में ओवरऑल में फिर भी थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन स्ट्रीम आने की वजह से वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा हमें तो इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो बीइंग द लीडर इन द इंडस्ट्री ऑब्वियसली अगर हम लोग उस ग्रोथ को छोड़ के चले तो कोई उसमें समझदारी नहीं है. तो हम लोग बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि कहाँ पे किस सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है उस सेगमेंट को पकड़ लें. आपने देखा होगा पैकेजिंग में पिछले 2-3 साल में हमने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो या तो एक सस्टेनिंग कैपेक्स है बट कोई कैपेसिटी एक्रीशन वाला जो कैपेक्स है वो नहीं हुआ है. थोड़ा सा कैपेक्स उसमें हुआ है जहाँ पे हम रिसाइकलिंग पे जोर दे रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स टू मेक पॉलिएस्टर चिप्स जो अल्टीमेटली हमारे लिए ही एक रॉ मटेरियल सोर्स बन जाता है और आज जैसे दुनिया में. अच्छा राजेश जी वक्त की थोड़ी सी कमी है तो मैं आपसे एक दो चीजें और पूछना चाहूंगा. कैश ऑन बुक्स डेट आपकी कोई बड़ी हो तो उसके बारे में बता दीजिए सर फाइनेंशियल्स.
कैश काफी कंफर्टेबल है अभी स्थिति में। जी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से करीब 100 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड एडिशन देख पा रहे हैं हम लोग। इस क्वार्टर में थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि रेट बड़े चीजों के, रॉ मटेरियल के और फाइनल प्रोडक्ट्स के, थोड़ा वर्किंग कैपिटल साइड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बट हमने ठीक है। बोरिंग्स इस क्वार्टर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं की। नेट बेसिस पे अगर मैं देखूं तो हालांकि ये नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और काफी हद तक ये कंप्लीशन की स्टेज में है, टोटल 125 करोड़ रुपए का नेट बोरिंग लेवल पे इंक्रीज देखा है इस क्वार्टर में। डेफिनेटली सर, तो ये बात तो ज़रूर है। इसके अलावा थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है राजेश जी, क्या आपको लगता है अभी भी थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा और परेशान कर सकता है, या कैसे देखना चाहिए इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को? आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे देख रहे हैं, क्या ये फ्लैटन आउट हो रहा है कर्व जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है वो, या अभी भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए यहाँ से? देखिए, जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, मेरा पर्सनली मानना है कि इस टाइम पे कोई बहुत लंबी चौड़ी बात इन्फ्लेशन की अक्रॉस द इंडस्ट्रीज कोई नहीं कर रहा है। सब लोग खुश हैं क्योंकि सबका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। पैट मार्जिन्स फॉर डेफिनेटली कॉर्पोरेट या टॉप कंपनीज अबव 10%, मतलब पहली बार शायद देखा गया हो। तो हायर इनपुट कॉस्ट पे, हायर इन्फ्लेशन रेट पे भी सब लोगों का बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के जहाँ पे इश्यूज लोगों को आए हैं वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, बट अदरवाइज ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, सो लॉन्ग एज उसमें आपका बिजनेस मॉडल में डिमांड है और ठीक आगे है। डिमांड ठीक रहने वाली है, तो आप वो पास ऑन कर पाते हैं, रादर आप प्राइस को थोड़ा सा एडवांटेज भी ले पाते हैं कस्टमर से। तो उसके चलते डेफिनेटली अगर चीजें थोड़ा सा इन्फ्लेशन है भी 4-5-6% का, इस क्वार्टर में हमने देखा कि 2-6% तक का रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन था, बट दैट इज एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन नाउ सो लॉन्ग एज योर मार्जिन आर डेफिनेटली, इन टू और रिच। एक विंडो भी बच ही रहा है हमारे पास कि हम पास ऑन कर सके डेफिनेटली, तो ये बात भी है कि जिसको हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए।